अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? उसका नाम है सही सदका। हदीस में सबसे पहली किताब जो लिखी गई उसका नाम है सहीफा। सारे किताब के होते हैं सदका, ठीक है, सदका नाम है किताब जो कि हदीस में सबसे पहले किताब लिखी गई। सबसे पहले अजान आपके लिए, सबसे पहले अजान कितने हिजरी में हुई? सबसे पहले अजान कितने हिजरी में हुई? बहुत सही जवाब है, सबसे पहले अजान 2 हिजरी में हुई। सुभान अल्लाह कहिए आप लोग, जवाब दे बच्चे दे आप लोग, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहिए। सबसे पहले अजान 2 हिजरी में दी गई थी। नबी का सब्र मशहूर है, किस नबी का सब्र मशहूर? बहुत आसान है, गलत जवाब। सब्र अय्यूब सुना है आप लोगों ने? सब्र अय्यूब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र तमाम नबियों में मशहूर है। बंदों को किस चीज से नाउम्मीद होने को कहा, मना किया? अल्लाह ने बंदों को किस चीज से नाउम्मीद होने को मना किया? जोर से बोलो। सवाल नहीं समझा, जवाब दे दिया, जवाब कैंसिल हो गया। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ने अपनी रहमत से बंदों को नाउम्मीद होने के लिए मना किया। क्वेश्चन नंबर 316 बहुत आसान सवाल है। मेजबान रसूल किस सहाबी का लकब है? मेजबान का माने होता है मेहमान, ठीक है। मेजबान रसूल यानी मेहमान रसूल किस सहाबी का लकब है? मेहमान रसूल, मैं लगा हूँ मेहमान रसूल किस सहाबी का लगा है? कुछ पढ़े वड़े नहीं याद नहीं किए। चलिए आपका वक्त खत्म होता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को मेहमान यानी मेजबान रसूल का लकब मिला है, ठीक है। जन्नत में सबसे आला दर्जे का नाम क्या है? जन्नत का वो मकाम जिसका सबसे आला दर्जे का नाम बताइए। जन्नत जो है ना, एक नाम है, जन्नत के अलावा भी दूसरा भी नाम है उसका, तो सबसे आला दर्जे का जो नाम है वो क्या है वो बताइए। बहुत आसान है। ए बाबू ए फिरदौस, आप लोगों ने फिरदौस नाम सुना है? जन्नत का सबसे अच्छा नाम, सबसे आला दर्जे का नाम फिरदौस के लिए हिजरत की। चेयर तो इधर ले लो, किसी से पूछिए। हाँ दूसरे से शादी का चेयर, उससे बोलो जवाब दो। नहीं मालूम कहाँ मुसलमानों ने सबसे पहले मुल्क हबश यानी हबशा भी इसको कहते हैं, वहाँ के लिए हिजरत किया। शैतान ने कितने साल तक अर्श का तवाफ किया? शैतान ने कितने साल तक अर्श का तवाफ किया? अर्श के चारों जानिब घूमा। चौदह हजार साल तक। सामईन जवाब से सवाल का जवाब पूछा जाए तो भी आप लोग जवाब दें, ठीक है भाई। आप ये बताएं, कयामत से पहले दुनिया में जो पैगंबर दोबारा तशरीफ लाएंगे उनका नाम क्या है? मैंने सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझाया। ऐसे पैगंबर का नाम बताएं जो कयामत से पहले दोबारा में एक बार में आ चुके हैं फिर एक बार दुनिया में आएंगे। वो तो उठाई फेंक दे भी लोगों को, बच्चे लोगों को बताना। बाहर से कोई जवाब न दे, इसका जवाब आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। जब ऑडियंस का सवाल बताया जाएगा तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 305
आप ये बताएं, हमारे नबी सरकार सल्लम ने जिस वक्त चांद को दो टुकड़े किया था, उस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितना वक्त हुआ था? उस वक्त हमारे मुल्क में वक्त क्या था? मुल्क में उस वक्त रात के 12:15 हो रहे थे, 12:15 हो रहे थे। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा कौन थी? बीवी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा कौन थी बताओ। मैं तमाम सामईन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी सवाल पे ध्यान दें और जवाब भी ध्यान से सुने, ताकि आपके इल्म में नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आप सीखें। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सीखना और सिखाना है। नहीं, सवाल का जवाब गलत है। बीवी हलीमा सादिया वो मुकद्दस हस्ती, मुबारक हस्ती हैं जिन्होंने हमारे सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, जिन्होंने हमारे सरकार